आता है, ये मॉल देश और दुनिया में फेमस है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों के काम का है, क्योंकि ऊपर है गेम जोन डेकोरेट किया गया है और यहाँ बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवेंचर है। मतलब क्या 3D ग्लासेस मिलते हैं। बड़ा मॉल है ये, ऐसी ये फेमस नहीं हुआ था। बात तो है इस मॉल के अंदर पूरा जापानीज शोरूम है और यहाँ जो आप आइटम देखेंगे सब जापान से आया हुआ है और कुछ अलग टाइप की चीज़ें जो मतलब आपकी स्पेस बचा सकें घर के सामान वामान को रखने के लिए, तो वो सब चीज़ें ये लोग मेड करते हैं। रेस्टोरेंट जैसा बना दिया है, सिटिंग व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है, बढ़िया लग रहा है ये मॉल देखने में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डेविड है और आज इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज भी मैं मौजूद हूं लखनऊ में अपने बड़े भाई एडवर्ड सर के साथ। मैं यहां पर आया हूं, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सबसे फेमस मॉल है लखनऊ का, लुलू मॉल। इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बनी है, काफ़ी कुछ पंगे हुए थे इस मॉल को लेके। अब इस विषय में अपन बात नहीं करेंगे, सीधे वीडियो की स्टार्ट करेंगे और आपको आज लेके चल रहे हैं लुलू मॉल की तरफ। तो शुरू में वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लुलू मॉल की तरफ पहुंच गए हैं और जिस बाहर का जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये देखिए आप, कितना बड़ा मॉल है और पब्लिक तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा है। और अंदर जाके कितनी ज़्यादा पब्लिक मिलने वाली है वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा। तो चलिए आप अंदर लेके चलते हैं। तो हम लोग लुलू मॉल के अंदर पहुँच चुके हैं और भाई ये देखिए यार, क्या बड़ा मॉल है ये, ऐसी ये फेमस नहीं हुआ था। बात तो है इस मॉल के अंदर, वाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। चलिए आपको पूरे मॉल के दर्शन करा देते हैं, किस तरह के यहाँ शोरूम है देख सकते हैं आप। बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम यहाँ पर मौजूद हैं और ये मॉल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है भाई यार। एक बार फ्रेम में नहीं आ पा रहा ये, और बहुत सुंदर है देख सकते हैं आप। ये आर्टिफिशियल पेड़ यहाँ लगे हुए हैं जो कि इस मॉल की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इस तरफ देखेंगे तो काफ़ी सारे ब्रांड हैं, मेकअप वगैरह की दुकानें हैं। इस तरफ लगेज का एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे बैग्स वगैरह मिल रहे हैं। ये कॉस्मेटिक स्टॉल है और यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड की क्रीम्स, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, फेस वॉश और पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। हमारे एडवर्ड सर मॉल का आनंद लेते हुए मस्त घूम रहे हैं। क्या कहना चाहोगे इस लुलू मॉल के बारे में? फर्स्ट टाइम मैं खुद आया हूँ, जब इतने साल में बाहर था ग्वालियर में, तो बन रहा था, बना नहीं था, पहली बार खुद देख रहा हूँ। अच्छा। तो आपका भी पहला अनुभव है? जहाँ से आए हैं हम लोग बहुत दूर है भाई। हाँ, वो तो है। यहाँ आने के लिए लंबा कॉन्सेप्ट सेल्फ अपनी गाड़ी होनी चाहिए। बाकी मॉल तो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और बहुत बेहतर और बहुत खूबसूरत है, बारे में क्या क्या ही बोले। सबसे पहले तो अपन ऊपर जा रहे हैं और इस पे चढ़ते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा। आओ एडवर्ड सर। मॉल से क्या बोले, मॉल बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है यार। अगर से देखने बैठेगी तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और चलने लेंथी काफ़ी लेंथी है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं यहाँ और सुविधाएँ सारी दी गई हैं। वॉशरूम वगैरह बेस्ट है और अब मॉल देखेंगे अभी तो पी गए चेक करेंगे, बहुत कुछ है, मुझे अच्छा लगा, एटलीस्ट आई लाइक इट। जो ऊपर की तरफ आ गए हैं, ये यहाँ का पहला फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है वो सब आपको दिखा देते हैं। ये है लिबास ब्रांड का, काफ़ी बढ़िया कलेक्शन है, शायद ये लाइट में ही अच्छा लग रहा है। इस तरफ देखिए ड्रेस मटेरियल है, लेगी है, कुर्ते हैं और साथ ही साथ ये ब्रांडेड टी शर्ट हैं। ये गो कलर्स नाम का ब्रांडेड शोरूम है और इधर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी कुर्तीज़ वगैरह, कुछ नया टाइप का है देखने लायक। आगे बढ़ते हैं, ये W नाम का कोई ब्रांड है और बहुत बड़ा ब्रांड है ये, टोटल लेडीज़ ये गारमेंट्स बनाता है, W ब्रांड, और ये देख सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ब्रांड है जो मांगो जो सिर्फ दिल्ली या बॉम्बे में पाए जाते हैं, हाँ वो ब्रांड यहाँ रखे गए हैं। और आप किसी मॉल में जाओगे, इवन आप शॉप में भी जाओगे तो इतने बड़े ब्रांड नहीं है, वहाँ है ब्रांड, मगर ये जो ब्रांड है ये सिर्फ दिल्ली बॉम्बे में ही अवेलेबल है। क्योंकि ये जैसे W ब्रांड आपने देखा, ये वुमेन्स का वेस्टर्न वियर का है, बहुत कॉस्टली ब्रांड है, जेन्युइनली बहुत कॉस्टली ब्रांड है, तो यहाँ बहुत बड़े ब्रांड है। ये हमारा बाटा का शोरूम आ गया है जिसपे हमारे देश को, हमारी जनता को भरोसा है और काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे जूतों का डिस्प्ले किया गया है, ये देख सकते हैं।
हमने देखा अभी आपको बाटा का शोरूम और काफ़ी सारे जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो यहाँ मौजूद हैं। एडवर्ड सर ने जैसा कि बताया कि लखनऊ में पहली बार इस तरह के ब्रांड आए हैं जो कि मुंबई वगैरह में मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं लुलू मॉल की, कुछ खास बातें हैं जो आपको आज के इस वीडियो में हम बता रहे हैं। वीडियो कैसा लग रहा है शुरुआत में ही बता दीजिए कमेंट करके, और आगे बढ़ते हैं और क्या नया है वो आपको दिखाते हैं। एक अच्छा खासा बड़ा ब्रांड है और यहाँ पे भी बढ़िया कलेक्शन की कुर्तीज़ वगैरह मौजूद हैं। ब्रांड इतने ज़्यादा बड़े हैं कि इनकी दुकानों में ग्राहकों की कमी नज़र आ रही है, पर ऐसा है कि सीज़न पर शादियों के समय पर दिवाली पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और माल तेज़ी से बिकता है। जाता है ये मॉल देश और दुनिया में फेमस है। फेमस क्यों है ये आप देख ही रहे हैं वीडियो में कि इतना बड़ा मॉल है, काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। और ऊपर की तरफ आपको लेके चलते हैं, अगर जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों के काम का है क्योंकि ऊपर है गेम जोन, ये पास चलते हैं। पूरा जापानीज शोरूम है और यहाँ जो आप आइटम देखेंगे सब जापान से आया हुआ है, और कुछ अलग टाइप की चीज़ें जो मतलब आपकी स्पेस बचा सकें घर के सामान वामान को रखने के लिए, तो वो सब चीज़ें ये लोग मेड करते हैं। ये सब देखिए आप, ये लकड़ी का बना हुआ है, तो काफ़ी सारे आइटम हैं जो आपका समय बचा सकें कटिंग वटिंग करने के लिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कैंची है, दो तीन प्रकार की टाइप कटिंग की कैंची है। ये देखिए आप, इस तरह के चम्मच और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। समय लगेगा इसको देखने में। मुझे क्रॉकरी सेक्शन है और यहाँ पे आप देख लीजिए, या ब्रांडिंग देख सकते हैं, पूरे जापान का कुछ लिखा हुआ है, इस तरह से डिज़ाइन है। देखिए आप, ये कुछ अलग लगा मेरे को तो सोचा ये आपको दिखाया जाए। गार्डन में इस्तेमाल होने वाले औजार हैं और ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह हैं जो आपके गार्डन की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर गैलरी वैलरी में, बालकनी वगैरह में अगर गार्डन बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल होने वाली ये चीज़ें हैं। आपको होम फर्निशिंग का सामान मिल जाएगा, अपने किचन वगैरह में ये सब चीज़ें रखने के काम आ सकते हैं। छोटे छोटे बैग हैं इस तरफ, ये स्टेशनरी का सामान है, काफ़ी सारे सेक्शन बने हुए हैं यहाँ पर, बढ़िया यार। जा रहे हैं ऊपर की तरफ गेम जोन में और दिखाएंगे आपको कि वहाँ क्या क्या है बच्चों के लिए। यहाँ से एक नज़ारा और देख लें आप लुलू मॉल का। आइए एडवर्ड सर, फाइनली ऊपर पहुँच गए हैं, अब चलते हैं गेम जोन के लिए। अगर बच्चों के साथ आप आते हैं तो बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, और वहाँ तक पहुँचने में रास्ते में क्या क्या देखने को मिल रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड हैं फूड मटेरियल को लेके। आप यहाँ पर आते हैं, थकते हैं, घूमते फिरते हैं, भूख लगती है, तो काफ़ी सारे ब्रांड हैं यहाँ पर, जैसे कि पिज़्ज़ा हट, मैकडॉनल्ड एंड काफ़ी बहुत सारे ब्रांड हैं खाने पीने के लिए। इधर पर भी आप देख सकते हैं ये, तो ये सब पूरा फूड जोन है ऊपर की तरफ, और वहाँ पर किड जोन है। ये KFC, यहाँ है बर्गर किंग, रेस्टोरेंट जैसा बना दिया है, सिटिंग व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है, बढ़िया लग रहा है ये मॉल देखने में। चलते चलते पहुँच गया हूँ यहाँ के किड जोन में, ये है गेम जोन है यहाँ का, दिखाते हैं चल के। बहुत देर से बोल रहा हूँ, आप लोग सोच ही रहे होंगे कि कब दिखाएगा, और ये फाइनली पर पहुँच गए हैं। ये देखिए आप, कुछ इस तरह से डेकोरेट किया गया है इसको, बेहद खूबसूरत लग रहा है ये। यहाँ पे कुछ टिकट काउंटर्स हैं, यहाँ से टिकट लेके बच्चों को एक्टिविटीज़ वगैरह आप करा सकते हैं ये सब, और यहाँ कुछ बच्चे हैं जो कि इन सब चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। वाह, में फूड कोर्ट है, यहाँ गेम जोन है, पहले खाओ फिर आके यहाँ पचाओ। ये भी एक राइड है छोटे बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया बनाया यार। एंट्री का एक नियम है, यहाँ पे आपको एक कार्ड बनवाना पड़ेगा और कार्ड की रेट स्टार्ट होती है 600 रुपये से, 600 से लेके 5000 तक। उसके अंदर कुछ राइड्स होती हैं जो आपको यहाँ करने को मिलेंगी।
तो कार्ड का काउंटर वहाँ पर है, वहाँ कार्ड बनाने के बाद फिर अंदर आप जा सकते हैं। तो मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे मतलब का तो ये गेम जोन है नहीं है और 600 रुपये मैं बर्बाद नहीं करूँगा। देखा था किड जोन, ये ऊपर की तरफ है, ये बड़े बच्चों के लिए है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवेंचर है। मतलब क्या, 3D ग्लासेस मिलते हैं, ये बच्चा ऐसे कि लगाया है और इस पर बैठ के इस तरह से राइड कर सकता है कि मान चलो कि ऐसा लगेगा कि खुद रियल में कर रहा हो। ऐसे काफ़ी सारी राइड्स हैं अंदर, इस तरफ भी आप देख सकते हैं। ऊपर के भी चार्जेस बराबर ही हैं जो नीचे के चार्जेस हैं। बच्चों के लगभग 600 रुपये का एंट्री पास है, उससे अंदर जा सकते हैं। 600 से लेकर 5000 तक की राइड हैं, मतलब पैसे के ऊपर है। जैसे जैसे पैसे करते बढ़ाते जाएंगे, एडवेंचर आपके बढ़ते जाएंगे। बच्चे का दिमाग खराब हो गया। बहुत बढ़िया यार, यही तो टैलेंट है, इसी चीज का पैसा है यार, कलाकार हैं। कुछ कुछ बच्चे तो खिसिया जाते हैं, मतलब चिढ़ जाते हैं। ये देखना, ये कुछ करेगा। की प्राइस बारे में बात करें तो ये रेट की आइसक्रीम मिलती है यहाँ पे। और देखिए छोटू, ये कितनी भीड़ लग गई थी यहाँ पे इस चीज़ को देखने के लिए। बढ़िया है यार कुल मिला के लुलु मॉल, और काफ़ी बड़े एरिया बना है। जैसे कि शुरू में मैंने ही आपको बताया था कि मतलब बहुत समय लग रहा है हम लोगों को इसको घूमने में, कवर करने में। और यहाँ पे है बजट के अनुसार साउथ इंडियन स्ट्रीट फूड, इसका रेट आप देख सकते हैं। तो मॉल में इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। रेस्टोरेंट का नाम है अन्ना। हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, ऊपर का गेम जोन और ये फूड कोर्ट्स वगैरह। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश करी, तो उस विषय में ज़रूर कमेंट कर देना। और नीचे चलते हैं, ये मॉल वॉल आना, घूमना फिरना, पैसा खर्च करना, ये सब पैसे वालों के चोचले, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तो गाइस हम बाहर की तरफ आ चुके हैं जहाँ से हमने एंट्री की थी। एक बार और नीचे की तरफ से आप देख लीजिएगा ये कैसा दिखता है, और यहीं से एग्जिट है, चलते हैं अब बाहर। तो पूरी तरह से हमने ये लुलु मॉल घूम लिया है और आपको वीडियो में दिखा दिया। वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बता दीजिए। चैनल पे नए थे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं एक और नए वीडियो में जल्द ही, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आप लखनऊ में हैं, थोड़ा मुस्कुरा के जाइए।